कि आज विभागों का जो वितरण हुआ है उसके बाद ये फॉर्मल पहली कैबिनेट की बैठक वो बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर सभी मंत्रीगण ने सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पास किया है कि प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये महापर्व सभी के लिए मंगलमय हो और हरियाणा प्रदेश विकास में लगातार आगे बढ़े। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचे, लाभ पहुँचे, उसको लेकर के होली महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। और उसके साथ साथ कुछ और विषय जो डिस्कस हुए हैं कि आना हम चुनाव के अंदर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, पानी और बिजली की कोई दिक्कत ना आए, और हमारे गेहूं की परचेज भी है, सरसों की परचेज भी है, 26 तारीख से उसको कर रहे हैं, कि वहाँ भी आगे भी उसकी कोई समस्या दिक्कत लोगों को ना हो, उसको लेकर डायरेक्शन भी दी गई मंत्रियों को कि किस तरीके से अपने विभाग में काम करें। जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए साफ सुथरा जो काम जो है डिपार्टमेंट में किया, सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति, हमारे मंत्रीगण ने पीछे भी अच्छे काम किए हैं और आगे भी सभी अच्छा काम करेंगे। और हमने पूरा का पूरा एजेंडा, क्योंकि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, उसके बाद 95 डेज हमारे पास हैं और 95 डेज का हमने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को क्या क्या सुविधाएं पहुंचे, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, उसको लेकर के पूरा रोड मैप। सर, फसल खरीद को लेकर किस तरीके की डायरेक्शन दी है, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, उसके अंदर हमने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए, उसके चाहे बारदाने की समस्या हो जाती थी या कोई उसके कोई लोडिंग की अनलोडिंग की कोई बात है मंडियों के अंदर, या वहाँ और व्यवस्था की दृष्टि से कोई पीने के पानी का है, कोई और विषय है, और इसी प्रकार से सरसों का जो हमारी मस्टर्ड की जो फसल है वो भी है, 26 तारीख को उसको भी परचेज कर रहे हैं। सर, दिल्ली दौरे पर रहते हैं, एक दिन पहले नड्डा साहब से मिल के आए हैं, दिल्ली दौरे पर सर नड्डा साहब से क्या कुछ चर्चा हुई? सर देखिए, आज का जो विषय है, आज जगत प्रकाश नड्डा जी से कल मिलना हुआ था कि जो हमारे मंत्रियों को विभाग दे रहे हैं उसको लेकर के चर्चा पेंडिंग बची है। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी वो बैठेगा और शीघ्र ही ये 4 सीटें भी आ जाएंगी, और हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं 10 वर्षों में, और जो हमारी ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, डबल इंजन सरकार ने किया है, आज लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह इन कामों को लेकर के है, और उसको लेकर के हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीत। कांग्रेस आपकी टिकट में वेट कर रही है सर, आप टिकट मंत्री जी।